गोल्डन एरोज में सिर्फ राफेल है गौरव, या फिर और भी जो आप तमाम विमान बता रहे थे, चाहे वो सुखोई हो, चाहे वो जैगुआर हो, ये भी गोल्डन एरोज का हिस्सा है? गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन एक नंबर प्लेटेड स्क्वाड्रन था जिसको रिवाइव किया गया रफाल लड़ाकू विमानों के लिए, और अहमदाबाद यहाँ पर अंबाला एयरबेस में इसकी अहम भूमिका रही है गोल्डन एरोज की। तो गोल्डन एरोज 17 स्क्वाड्रन रफाल्स का ही स्क्वाड्रन है, जो पहले 18 लड़ाकू विमान आएंगे वो गोल्डन एरोज का हिस्सा होंगे इस क्षेत्र में, यानी अंबाला बेस पर। जो दूसरा स्क्वाड्रन आएगा वो हाशिमारा में होगा पश्चिम बंगाल में, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में है, वहां उसकी अहम भूमिका रहेगी नेहा। तो दो स्क्वाड्रन रफाल के, और फ्रांस और भारत के करार के तहत 80-85% ये फ्लीट हमेशा एयर वर्दी होनी चाहिए, ये भी करार का हिस्सा है। जो ये कहा जा रहा है कि भारत ने ज्यादा पैसा दिया इन लड़ाकू विमानों के लिए, क्योंकि उसमें हथियार प्रणालियां, इंडिया सेंट्रिक एनहांसमेंट और मेंटेनेंस का पैकेज भी शामिल है, ऐसा वायुसेना के अधिकारी हमको यहां बता रहे हैं नेहा। हमारे साथ मनजीत नेगी भी लगातार बने हुए, लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। फ्रांस की रक्षा मंत्री पहुंचने वाली हैं अब से कुछ ही देर में, 10 बजे ये ऑफिशियल कार्यक्रम शुरू होगा। मनजीत हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं। मनजीत, ये फ्लोरेंस पार्ली की तीसरी विजिट है, और ऐसे में आज जो कार्यक्रम उनके लिए आयोजित किया गया है अंबाला एयरबेस पर, जाहिर तौर पर कई सारी बारीकियों का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि फ्रांस के रिश्ते हमेशा से ही सामरिक लिहाज से, रक्षा के लिहाज से अच्छे रहे हैं, और आज का कार्यक्रम भी उनको उनके लिए यादगार रहे, इसके लिए तमाम कोशिशें की जाएंगी। बिल्कुल नेहा, कोशिश यही की जा रही है कि फ्रांस एक बहुत पुराना कहते हैं कि ट्रस्टेड अलाय रहा है, पड़ोसी ऐसा देश रहा है जिसने हर मौके पर भारत की मदद की है। और आज की अगर हम आज के कार्यक्रम को भी देखें तो यहाँ पर दो ऐसे लड़ाकू विमान हैं, चाहे जैगुआर की बात करें या फिर हम अगर रफाल की बात करें, दोनों विमान यहाँ पर जो कि फ्रांस से लिए गए हैं वो अपनी ताकत दिखाएंगे। और अगर फ्रांस के रक्षा मंत्री के कार्यक्रम को देखें तो उनका हालांकि सुबह से लेकर दिन तक का कार्यक्रम है, देर शाम को वापस फ्रांस जाएंगी, लेकिन आज उनको पालम एयरबेस पर जहां पर उनको रिसीव किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया, और वहां से वो वायुसेना के विमान से सीधे यहां अंबाला पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद। और यहां पर जिस तरह से न सिर्फ रफाल के कार्यक्रम को एक बड़े स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, जबकि इस वक्त सरहद पर, लेह सरहद पर चीन के साथ जिस तरह का तनाव चल रहा है, उस तनाव के बीच में एक बड़ा कार्यक्रम फ्रांस के रक्षा मंत्री को बुलाकर, सीडी जनरल बिपिन रावत यहां पर मौजूद होंगे, वायुसेना प्रमुख होंगे, और करीब 2 घंटे का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें न सिर्फ 5 रफाल लड़ाकू विमान शामिल होंगे बल्कि सुखोई से लेकर जैगुआर, एलसीए तेजस और रफाल लड़ाकू विमान यहां पर अंबाला के आसमान में अपनी फ्लाईपास करेंगे, अपनी ताकत को भी दिखाएंगे। तो यह दिखाता है कि एक रणनीति के तहत भारत ने, भारतीय वायुसेना ने यहां पर पूरा कार्यक्रम रखा है, और फ्रांस के रक्षा मंत्री खासतौर से कोविड इस महामारी के बीच में फ्रांस से सीधे आप वहां पर देख पा रहे हैं वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि देखिए इस वक्त ये यहाँ पर जो रफाल लड़ाकू विमान है, जो आधिकारिक तौर पर आज 5 रफाल लड़ाकू विमान शामिल होंगे, जिसमें नेहा खासतौर से जो 3 रफाल लड़ाकू विमान हैं वो सिंगल सीटर लड़ाकू विमान है, और यहाँ पर जो हम रफाल लड़ाकू विमान दिखा रहे हैं आपको, इस पर BS-001 लिखा हुआ है। ये जो पिछले वायुसेना प्रमुख थे BS धनोवा, उनके समय ये सौदा हुआ, उनकी काफी बड़ी भूमिका रही, उनके नाम पर इसकी टेल यानी कि जो पिछला हिस्सा है विमान का वहां पर BS-001 लिखा गया है, एक सम्मान के तौर पर पुराने जो वायुसेना प्रमुख है उनका नाम यहां पर अंकित किया गया है BS धनोवा के नाम पर। इसी तरह से कुछ विमानों पर जो वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौर, उनके नाम पर RKS भी रखा गया है। तो एक पहली जो स्क्वाड्रन इस वक्त अंबाला में तैनात होगी उसके कुछ विमानों पर इस तरह से नाम अंकित किए गए हैं, और आने वाले दिनों में जैसा कि हमें जानकारी मिल पा रही है नेहा कि बहुत जल्द इस वक्त जो हालात हैं सरहद पर चीन के खिलाफ उनको देखते हुए भारतीय वायुसेना यहां पर जो फ्रांस की रक्षा मंत्री हैं उनसे लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना के लोग ये भी अनुरोध कर रहे हैं कि चीन के साथ जो विवाद चल रहा है उसको देखते हुए बाकी जो लड़ाकू विमान है इस वक्त अगर हम बात करें तो अक्टूबर इस साल के अंत होते होते बाकी विमानों को भी जल्द ही उनकी गौरव सावंत भी लगातार जुड़े हुए हैं, और
उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें साफ हैं। मंजीत, हमने देखा था कि किस तरीके से फ्रांस की रक्षा मंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं भारत और चीन के बीच जो कुछ भी एलएसी में गुजर रहा है, क्योंकि उन्होंने एक पत्र के द्वारा राजनाथ सिंह को जो पत्र उन्होंने लिखा था, जो 20 जवान शहीद हुए थे जून के महीने में, इस बाबत ये पत्र लिखा गया था और उन्होंने अपना शोक व्यक्त किया था, और तभी से हम देख रहे हैं कि लगातार वो इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। 5 विमान आज इंडक्ट हुए हैं, बताया जा रहा है कि नवंबर में 5 और होंगे, और जो 26 विमान और आने हैं राफाल, वो 2021 के अंत तक आएंगे। तब तक जिस तरीके के हालात चीन में बनते हैं, एलएसी में बनते हैं, उसको लेकर रक्षा मंत्री जो फ्रांस की है वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में आपसे यही जानना चाहेंगे, आज की जो मुलाकात है राजनाथ सिंह के साथ, जो बायलैटरल टॉक्स होनी है, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी, एलएसी पर भी बात होगी, और चीन के साथ जो इस तरह की स्थिति बनी हुई है एलएसी पर, उस पर भी चर्चा की जाएगी। हमारे के बीच में और चीन के साथ तनाव को देखते हुए फ्रांस की रक्षा मंत्री का आना इस बात को दिखाता है कि फ्रांस पूरी तरह से चीन के खिलाफ भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। चाहे गलवान घाटी के दौरान जो जवान शहीद हुए थे उसको पर भी संवेदना जताई थी फ्रांस की रक्षा मंत्री ने, और यहाँ पर पूरे दिन के कार्यक्रम के दौरान भी वो यहाँ मौजूद होंगी। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।